चलो आज मैं आपको इंस्टेंट हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे घी लिया है, 1 टेबलस्पून घी है। अगर आपको चाहिए तो आप ऑयल, ऑलिव ऑयल कुछ भी ले सकते हैं, बट घी से टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैंने घी का यूज़ किया है। अभी मैंने यहाँ पे 1/2 कप मूँगफली ली है। अगर आपको चाहिए तो आप फुल कप भी ले सकते हैं, मतलब आपको एक ऐसी कटोरी या तो कप ले लें जिसका आप मेजरमेंट आगे कैरी ऑन करेंगे। तो अभी मेरे को इन्हें भूनना है लो फ्लेम पे, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो मूँगफली बाहर बाहर से तो जल जाएगी बट वो अंदर तक नहीं पकेगी, तो हमें वो नहीं चाहिए। हमें इसे लो फ्लेम पे धीरे धीरे कंटिन्यू स्टर करते हुए भूनना है और इसे हमें लाल होने तक पकाना है। ये हमारी मूँगफली भुनने लग गई है और ये लाल हो गई, हाँ यही कलर चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे उड़द की दाल ली है 1 टेबलस्पून और इसको भी हम लो फ्लेम पे कंटिन्यू भूनते रहेंगे। और अब मैंने यहाँ पे सरसों के दाने लिए हैं, इसे हमें चटकने तक पकाना है और ये भी मैंने 1/2 टेबलस्पून लिए हैं, हाँ, और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये मेरे सरसों के दाने पक गए हैं और मैंने इसमें डाले हैं करी पत्ते, ये 8 से 10 करी पत्ते हैं और मैंने इनको एक बार वॉश कर लिया था और फिर डाला है। और इसको भी हमें अच्छे से भूनने तक पकाना है, लाइक 1 मिनट के आसपास, हाँ उतना टाइम बहुत रहेगा। ये अच्छे से भून गए। अभी मैंने यहाँ पे लिए प्याज, ये 2 मीडियम साइज की प्याज थी और इन्हें मैंने बारीक चॉप किया है और इसे भी हम कंटिन्यू भूनते रहेंगे और हमें इसे थोड़ा सा लाल होने तक पकाना है। मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है और लहसुन है 3 से 4, हाँ ये मोटी कली थी तो इसलिए मैंने 3 से 4 लिए और इसे मैंने कूट लिया था। अगर आपको चाहिए तो आप बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, कस के भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब मैंने यहाँ पे 1 गाजर ली है जिसको मैंने धो के अच्छे से छील के और कस लिया। और फ्रोजन मटर है, ये 1/2 कप है और ये पत्ता गोभी है बारीक बारीक कस के और वो यूज़ की है। आपके पास घर में जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास मटर नॉर्मल वाले हैं तो आप उन्हें 5 से 10 मिनट के लिए नॉर्मल पहले बॉईल कर लेना फिर इसमें डालना। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं टमाटर, ये मैंने बारीक चॉप किए हैं और ये है 3 से 4 टमाटर और इसे भी हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर ऑप्शनल है बट आप ट्राई करना, ये बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। और मैंने यहाँ पे डाला है नमक, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आप यूज़ करना, मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक जो है वो टमाटर को जल्दी पकने में हेल्प करेगा, तो जितना भी आप नमक खाते हैं वो इसी टाइम पे डाल देना। और इसे अच्छे से मिक्स करके और मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी ताकि अगर कोई चीज़ कच्ची रह गई है तो वो पक जाए। और ये हमारी सब्ज़ियाँ पक गई हैं, इसको भी एक बार अच्छे से टॉस दे देंगे चेक करने के लिए। और सब चीज़ अच्छे से पक गई हैं। अब मैंने इसके अंदर डाले हैं मसाले, ये है लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च। मसाले हम बाद में डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे वरना मसाले जल जाएंगे अगर आपने पहले डाले तो। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं सेवैयाँ, इनको मैंने 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था और जैसे हम नूडल्स को बनाते हैं ना बॉईल करके उस पर तेल लगा के रख देते हैं, हाँ एग्जैक्टली मैंने इस पर 1 टेबलस्पून तेल लगा के और इसको रख दिया था। अगर आप इसको हाथों हाथ बॉईल कर रहे हैं लाइक ऑन द स्पॉट अभी बॉईल करके तो आप तुरंत डाल सकते हैं पानी को निकाल के। और आपके यहाँ पे इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे यहाँ इसे सेवैयाँ कहते हैं। मैंने सारी सेवैयाँ डाल दी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेवैयाँ को मैंने ऑलरेडी 5 मिनट के लिए बॉईल कर रखा है तो इस टाइम पे फ्लेम लो रहेगी और इसे हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है। आपको वीडियो में थोड़ा जल्दी लग रहा होगा बट मैंने वीडियो के टाइम को थोड़ा सा बढ़ाया है, पर किया मैंने हल्के हाथों से ही मिक्स है। अब मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून बटर लिया है, बटर वैसे तो ऑप्शनल है बट ये टेस्ट बहुत अच्छा देता है तो आप इसे अवॉइड मत करना। आप इसके बदले घी भी डाल सकते हैं, तेल का यूज़ मत करना।
अभी मैंने गैस बंद कर दी है और मैंने डाला है एक नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं। और याद रखना, हम हमेशा खटाई डाल के कभी उसे पकाते नहीं हैं, वरना वो खट्टा टेस्ट चला जाता है। अभी मैंने यहाँ पे धनिया लिया है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसको मैं डाल दूंगी। फ्रेश धनिया जो है वो टेस्ट को इन्हांस करता है, तो आप इसे ज़रूर डालना। इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा नाश्ता रेडी है। एक एक सेवैया के दाने कितने अच्छे खिल के आए हैं। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी भी सेवैया फॉर श्योर अच्छी बनेगी, है ना? कितना टेस्टी लग रहा है ना? अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी सेवैया कैसी बनी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। फिर मिलेंगे, बाय।